ओबीसी जनगणना के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जहाँ तक जनगणना की बात है, ये लड़ाई आज की नहीं है, ये 1911 से शुरू हो गई थी, जिस समय पहली जनगणना होनी थी। और उस समय मुसलमानों ने ये मांग की थी कि हिंदुओं को जो है जो शेड्यूल कास्ट है उसको अलग किया जाए, बाकी हिंदुओं को अलग किया जाए। बड़े मुश्किल से, क्योंकि उस समय बाबा साहब जब इस देश में जो है आते हैं राजनीति में, उनमें जागृति आई और ओबीसी की जनगणना तो नहीं हो पाई, परंतु शेड्यूल कास्ट की जनगणना जो है शुरू हो गई। और शेड्यूल कास्ट को पूना पैक्ट के तहत जो है सुविधाएं भी मिलने लगी। उन सब सुविधाओं से ओबीसी आज भी वंचित है। ये जनगणना जो पहली जनगणना से ही शुरू हो जाना चाहिए था। 1931 में जरूर जातिवार जनगणना हुई थी, परंतु 41 में द्वितीय महायुद्ध शुरू हो गया और जिसके कारण जनगणना हो ही नहीं पाई थी। और इसके बाद 1951 में कांग्रेस की सरकार जो है बन गई और जवाहरलाल नेहरू जी ने जानबूझ करके जो है जो जातिवार जनगणना है वो नहीं कराई। और इसके बाद ये निर्णय ले लिया सरकार ने कि जनगणना में जो है जातिवार आंकड़े नहीं दिए जाएंगे। और उसके पीछे जो मंशा है, उनकी जो तर्क दिया जाता है कि अगर जातिवार जनगणना होगी तो मांग बढ़ जाएगी, ये एक भ्रम है सरकार का। जब अनुसूचित जनजाति की जनगणना हर बार हो रही है जातिवार, तब मांग नहीं बढ़ रही है। केवल ओबीसी की जनगणना से जो है मांग कैसे बढ़ जाएगी, ये केवल जो है भ्रम में डालने की बात है। असलियत ये है कि बहुत सारे तथ्यों को जो है छिपाया जा रहा है। ओबीसी की स्थिति आज भी बहुत ही खराब है। बार बार 2002 में जो बीपीएल का काम हुआ था, उस बीपीएल की जो सूची है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई और आज तक कितने गरीब हैं इस देश में इसका सही आकलन नहीं है। ये केवल अनुमान लगाया जाता है, एक कैप बना करके जो है गरीबों का आकलन भी नहीं है। जिस दिन ओबीसी की जनगणना हो जाएगी उस दिन सही माने में कितने ओबीसी गरीब हैं, कितने ओबीसी जो है किस कैटेगरी में आ पाए हैं। बड़ा दुख की बात है कि आज भी एक अनुमान ही है कि अभी सरकारी नौकरियों में ओबीसी को जहां 52% होना चाहिए वहां वो 10% ही पहुंच पाया है। और जो हायर पोस्ट हैं, जो ऊपर की पोस्टें हैं, उनमें तो ओबीसी की स्थिति जो है बहुत ही भयंकर है। उनमें कुल मिलाकर के 2% से ज़्यादा जो है आईएएस आईपीएस की पोस्टों में जो है ओबीसी नहीं है। जब जनगणना होगी तो ये सारी चीज़ें जो है खुल जाएंगी, कितने ओबीसी के पत्रकार हैं, कितने ओबीसी के कॉलेज और स्कूल हैं, कितने ओबीसी के जो है इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये बहुत सारी बातें जो उससे खुलना है। क्योंकि ओबीसी की भागीदारी केवल सरकारी नौकरियों की बात नहीं है, बहुत सारे क्षेत्र हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, लॉयर्स हों या बड़े बड़े उद्योगपति हों, इन सब में ओबीसी चूँकि है नहीं और इस वजह से उस चीज़ को दबा के रखा जाना है ताकि ओबीसी को जो है पता ना लगे। और इस तरीके से जो अन्याय हो रहा है, सामाजिक अन्याय हो रहा है वो होता रहे। तो सामाजिक न्याय की जाती है, परंतु सामाजिक अन्याय के लिए ही जो है ओबीसी की गणना को जो है दबाया जाता है। केंद्र सरकार के बड़े मंत्री जब चुनाव का वक्त आता है तो माननीय राजनाथ सिंह ने कहा था ओबीसी की जनगणना होगी, परंतु आज राजनाथ सिंह चुप हैं। ओबीसी की जनगणना जब भी अभी भी चुनाव जब आएगा इसके बाद तो कहा जाएगा कि ओबीसी की गणना जो है हम करेंगे। क्योंकि ओबीसी के जो हमारे सांसद हैं वो भी इस समय अपनी नौकरी चला रहे हैं और वो भी मुंह नहीं खोल रहे हैं पार्लियामेंट में। हाँ, जिस समय इलेक्ट चुनाव होगा तब वो कहेंगे कि हम ओबीसी के लोग हैं, हम 52% हैं, हम आपके लोग हैं, हमको वोट दो। आज वो चुप हैं, आज उनकी नौकरी का जो है सवाल है। तो हम लोगों को खुद समझना है, हमारे सांसदों ऐसा नहीं है, हमारे बहुत सारे सांसद हैं, अगर वो चाहें तो आज भी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ते हैं तो कहते हैं मैं ओबीसी हूँ, मैं जो है पिछड़े वर्ग का हूँ, केवल वोट लेने के लिए पिछड़े वर्ग के हैं, परंतु जब सुविधाओं को देना है तब वो पिछड़े वर्ग से जो है मुंह छिपाए हुए हैं।
क्योंकि उनकी लगाम किसी दूसरे के हाथ में है। अगर उनकी लगाम उनके हाथ में होती तो ऐसा नहीं है कि जनगणना जो है नहीं हो सकती। इस जनगणना को विभिन्न तरीके से जो है टाला जा रहा है। हम आज जो हमारे विद्यार्थी जो है इस काम में आगे आए हैं, हम जैसे बुजुर्ग लोग उनके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला करके जो है हम चाहेंगे कि हमारे विद्यार्थी जो है इसमें संघर्ष करें और ये पूरा जो बुजुर्ग तबका है, जो युवा है, वो सब उनके साथ हैं। हम कंधे से कंधा मिला करके जो है उनके साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।